नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मैं हूं आपके साथ प्रेरणा मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द ब्रेकफास्ट शो में। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। अगले एक घंटे में अब आपको मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ ही साथ देश दुनिया की सभी बड़ी खबरों से रूबरू कराएंगे, लेकिन सबसे पहले देश विदेश की 20 बड़ी खबरें T20 न्यूज देखते हैं। टोक्यो से ज्यादा दूर फेंका भाला, फिर भी नीरज के हाथ से फिसला गोल्ड, मिला सिल्वर मेडल। पीएम मोदी ने दी बधाई, पाकिस्तान के नदीम ने जीता गोल्ड, बनाया ओलंपिक रिकॉर्ड। पेरिस ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम ने स्पेन को हराकर जीता ब्रॉन्ज, टीम इंडिया ने मनाया जश्न, पीएम मोदी ने दी बधाई। उज्जैन में एक साल बाद खुले नागचंद्रेश्वर के पट, 24 घंटे भक्त कर सकेंगे दर्शन, 10 लाख श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान। विदिशा के बीजा मंडल विवाद ने पकड़ा तोल, हिंदू संगठन ताला खुलवा कर पूजन पर अड़ा, प्रशासन ने बढ़ाई सुरक्षा व्यवस्था। कृष्ण जन्मभूमि विवाद पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, मस्जिद कमेटी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश को दी चुनौती, संबंधित सभी याचिकाओं को आज किया जाएगा दाखिल। बिहार में नीतीश सरकार का बड़ा फैसला, मंदिर और मठों को देना होगा संपत्ति का ब्यौरा, धार्मिक न्यास बोर्ड के पोर्टल पर अपलोड होगा डेटा। कानपुर के कॉलेज में हिजाब विवाद का मामला आया सामने, हिजाब पहनकर कॉलेज पहुंची छात्राएं, प्रिंसिपल ने मना किया तो छात्राओं ने किया हंगामा। चित्रकूट में 3 दिनों तक रामलीला करेंगे देश भर के कई स्कूल और गुरुकुल के छात्र, 14 सितंबर से रामलीला का आयोजन, श्री राम भद्राचार्य से मिले रामलीला महोत्सव समिति के अध्यक्ष। 11 अगस्त को होने वाली नीट पीजी परीक्षा को स्थगित करने की मांग करने वाली याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई, छात्रों ने कम वक्त का दिया हवाला। वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को जेपीसी में भेजने पर सहमति, स्पीकर बोले सभी दलों से बातचीत के बाद होगा कमेटी का गठन, रिजिजू बोले जो कांग्रेस नहीं कर पाई वो हमने किया। वक्फ संशोधन एक्ट पर संसद में छिड़ा घमासान, कांग्रेस समाजवादी पार्टी और ओवैसी समेत पूरे विपक्ष ने जताया विरोध, अखिलेश यादव के बयान पर गृहमंत्री अमित शाह ने किया पलटवार। राज्यसभा में विपक्ष की नारेबाजी से नाराज हुए सभापति, कुर्सी छोड़कर बाहर चले गए, बोले सदन में बार बार हो रहा है अपमान, दी जा रही है सभापति की कुर्सी को चुनौती। आज से 5 दिनों के लिए ओडिशा दौरे पर संघ प्रमुख मोहन भागवत जगन्नाथ मंदिर में करेंगे पूजा अर्चना। इंदौर आईआईटी ने जवानों के लिए बनाए अनोखे जूते, लोकेशन ट्रेसिंग के लिए जीपीएस मौजूद, 10 जोड़ी जूते डीआरडीओ को टेस्टिंग के लिए भेजे गए। बांग्लादेश में हिंदू हिंसा के बीच अंतरिम सरकार का गठन, मोहम्मद यूनुस ने ली पद गोपनीयता की शपथ, पीएम मोदी ने दी शुभकामना और जताई उम्मीद। पीएम मोदी ने हिंदुओं के साथ हिंसा पर जताई चिंता, हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित किए जाने की जताई उम्मीद। बांग्लादेश के पूर्व पीएम शेख हसीना के बेटे सजीब बाजेद का दावा, लोकतंत्र बहाल होते ही शेख हसीना की होगी वतन वापसी। बांग्लादेश में अब नोटबंदी का मंडराया खतरा, बंद हो सकती है शेख मुजीबुर रहमान की तस्वीर वाले नोट, मनी एक्सचेंजर्स की टेंशन बढ़ी। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा जारी, कई हिंदुओं के घर और मंदिर तोड़े, महिलाओं के साथ बलात्कार का आरोप, पुरुषों को मारने की धमकी। लंदन पहुंचा भारतीय नौसेना का मिसाइल युद्धपोत, लंदन के प्रसिद्ध टावर ब्रिज के नीचे से युद्धपोत गुजरा।